हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से स्वागत है आपका बिग बॉस OT33 सीजन 3 में। अभी हो रहा है बिग बॉस के हाउस में सुबह सुबह का टाइम और यहाँ झूमते झामते सभी घर वाले उठ चुके हैं। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह सना मकबूल और शिवानी कुमारी का लाजवाब डांस। तो यहाँ शिवानी कुमारी हर सुबह एक अलग ही अंदाज में सो के उठ के दिखती हैं, एक अलग ही अंदाज रहता है उनका जब वो सो के उठती हैं। तो आज का जो डे है बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक वाला डे भी है, क्योंकि आज नहीं है घर में राशन और राशन की कमी के वजह से यहाँ सब लोग भूख से बेहाल हैं क्योंकि राशन पड़ रहा है कम। तो यहाँ कृतिका सुबह सुबह बोलती है अरमान को कि इतने ही से पोहे गुड्डू, अब क्या करूँ। तो यहाँ अरमान बोलते इतने ही बना ले, बोले एक कटोरी पोहा भी नहीं है, इतना बना के मैं करूँगी भी। तो यहाँ पे फिर अरमान मलिक का मुंह लटक जाता है। और यहाँ रणवीर जी सुबह सुबह किचन में दिखाते हैं अपने एक्सरसाइज। तो यहाँ कृतिका मलिक अरमान जी को बोलती है कि इस तरह से बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैं इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ सुबह सुबह लव कटारिया साई केतन को यहाँ सॉरी बोलते फील करते हुए बोलते हैं कि मैंने जो बोला उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे तुम्हारी स्टोरी तुम्हारी कहानी नहीं पता था। तो यहाँ साई केतन बोलते हैं तू चुप रह, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। गलती साई केतन की भी थी, उसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन लव कटारिया ने अकेले ने ही माफ़ी मांगी है। तो साई केतन ने भी माँ की गाली बहन की गाली दी थी और यहाँ लव कटारिया ने माँ की गाली दी थी, लेकिन सबको लगता है कि साई के साथ गलत हुआ है, लव के साथ नहीं। क्यों भाई, बहन और भाई माँ में अंतर क्यों? तो इसलिए साई को भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लव कटारिया ने माफ़ी मांगी है। उसके बाद यहाँ लंच का टाइम था, तो यहाँ शिवानी कुमारी और अरमान मलिक यहाँ बना रहे हैं सबके लिए लंच। तो यहाँ पे आला आला यानी सना सुल्तान और लेजी बैठ के कर रहे हैं बातें। तो अरमान मलिक बोलते हैं शिवानी कुमारी को कि ऐसा लगता है कि सना सुल्तान एक बच्चा है, स्कूल की स्टूडेंट है, और लेजी एक टीचर है जिसको हर वक्त कोचिंग और कोच करते रहते हैं और आला आला करते रहते हैं दोनों के दोनों। तो इस बात को सुन के ये दोनों बहुत हंसते हैं, साथ में सना सुल्तान इस चीज़ को सुन लेती है। उसके बाद आता है बिग बॉस का एक डिसीजन। तो बिग बॉस यहाँ पे सबको लिविंग एरिया में एकत्रित कर लेते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कि जो घर का हेड है, जो घर का हेड बना हुआ है अरमान मलिक, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि घर का हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ बोलते हैं सना सुल्तान को क्या सना मकबूल को कि तुम्हारी नज़र में हाउस ऑफ हेड का मतलब था कि घर की ड्यूटीज़ वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ मेरी नज़र में मेरे मतलब ये है कि हेड ऑफ द हाउस यानी उसके पास काफ़ी सारी पावर है। तो यहाँ अरमान मलिक को बुलाया जाता है कन्फ्रेंस रूम में और यहाँ अरमान मलिक से बोला जाता है आपके पास ये पावर है कि आप घर के किसी चार मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं इस हफ्ते के लिए। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं अरमान मलिक को कि आपके पास चार लोगों को नॉमिनेट करने की पावर है क्योंकि आप है इस हफ्ते के हेड ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे अरमान मलिक कन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और यहाँ पे वो चार लोगों का नाम ले आते हैं। तो सबसे पहले होती है सना मकबूल, वो तो पता ही था उनको लेंगे। दूसरे हैं लव कटारिया, तीसरे हैं विशाल पांडे और चौथी है सना सुल्तान। तो इस बार सना सुल्तान भी नॉमिनेट हो चुकी है अरमान मलिक की वजह से। तो यार रीज़न दिया है अरमान मलिक ने, क्या रीज़न दिया है कि वो आलसी है, ऐसी है, वो रोती रहती है, उसे घर जाके आराम करना चाहिए। उसके बाद दोपहर का टाइम होता है शाम का और यहाँ पर शिवानी कुमारी सारे फ्लो लगाकर अपनी बॉडी को ढक कर सो रही होती है। तो शिवानी कुमारी सो रही होती है, उधर से बिग बॉस का ऐलान होता है कि शिवानी, तो शिवानी बोलती है हाँ बिग बॉस, बोले नींद हो गई पूरी? तो शिवानी बोलती है नहीं बिग बॉस, हम सो नहीं रहे थे, हम अंदर जाते तो ठंड लग रही थी इसलिए हम बाहर आ गए और अंदर जाके फिर हमें नींद आ जाती इसलिए हम बाहर यहाँ पे लेट गए हैं, हम सो नहीं रहे थे। तो यहाँ बिग बॉस की बातें सुनकर, शिवानी की बातें सुनकर रणवीर जी हंसने लगते हैं। यहाँ बिग बॉस शिवानी से पूछते हैं क्या आपको फूल पसंद है? तो शिवानी कुमारी बोला हाँ मुझे बिग बॉस फूल बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सभी घर वाले हंसने लगते हैं शिवानी की बातें सुन के। तो यहाँ बिग बॉस पूछते हैं अगर तुम्हें कभी किसी ने लाइफ में फूल दिए हैं? तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती है हाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने प्यार से फूल दिए हैं और किसी ने मुझे ज़िंदगी में कभी कोई फूल नहीं दिया है। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं किसी के इंतज़ार क्यों करना कि वो आपको फूल दें, हम आपको फूल देते हैं, आपका मन चाहे अपने पसंद के फूल ले लीजिए। तो इसलिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी घर वालों को लेके आप आ जाइए लिविंग एरिया में। शिवानी खुश होते होते हंसते खिलखिलाते हुए लिविंग एरिया में सभी लोगों को लेके आ जाती है
और यहाँ बिग बॉस करते हैं बहुत बड़ा ऐलान। तो बिग बॉस बोलते हैं रणवीर जी को कि आप जाइए, स्टोर रूम में एक कार्ड रखा हुआ है और वहाँ जाके एक चिट्ठी रखी हुई है, आपको उसको पढ़ के बताना है। तो वह चिट्ठी रणवीर जी लेके आते हैं। तो चिट्ठी को लेके आते हैं रणवीर जी, और रणवीर जी जाके सभी घर के सदस्य के सामने उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है टास्क। तो टास्क में लिखा होता है कि लिविंग एरिया में 4 क्यारियां बनी हुई हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। उन 4 क्यारियों के दावेदार हैं 4। सबसे पहले हैं शिवानी, रणवीर, लेजी और साई केतन, जो कि नॉमिनेट नहीं हैं। ये 4 दावेदार हैं। ये 4 लोग रहेंगे दावेदार जो कि इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, और इस टास्क के जो हेड होंगे वो होंगे दीपक जी, और बाकी जो घर के सदस्य होंगे वो इन 4 दावेदारों को बगीचे में क्यारियों में फ्लावर फूल लगाने से रोकेंगे अपने बचाव के लिए। तो यहाँ एक दावेदार के पास पावर होगी कि बिग बॉस ने ये बोला है कि यहाँ पे जो दावेदार की क्यारियों में फ्लावर दिखेंगे लास्ट तक तो वो जीतेगा, और उसके पास एक पावर होगी कि वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट होने से बचा सकेगा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ सभी घर के 4 दावेदारों ने जो जो फूल थे उनको उठा लिए हैं और फूलों को अपने अपने क्यारियों में लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ जो जो लोग दावेदार से अलग डिफरेंट हैं वो लोग लगे हैं इन लोगों को क्यारी में फूल लगाने रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ शिवानी कुमारी लड़ रही थी लव केस या लव कटारिया के लिए, साई केतन लड़ रहे थे सना मुकबूल, सना सुल्तान और मुकबूल के लिए, और यहाँ लेजी भाई लड़ रहे थे सना सुल्तान के लिए कि उसको नॉमिनेशन से हटा दिया जाए, और यहाँ रणवीर जी भी सना सुल्तान के लिए ही लड़ रहे थे कि इनको नॉमिनेशन से हटा लिया जाए। तो यहाँ तीनों लोग सना सुल्तान के लिए लगे थे लड़ने के लिए, साई, लेजी और रणवीर जी, और यहाँ शिवानी अकेली थी जो लव कटारिया के लिए लगी थी अकेली लड़ने के लिए। तो यहाँ कृतिका ने, अरमान मलिक ने, और यहाँ पे सभी और भी जो घर वाले थे उन लोगों ने शिवानी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। मतलब सबसे ज़्यादा परेशान किया है अरमान ने और कृतिका ने, क्योंकि जो अहान जो नए घर के सदस्य हैं उन्होंने नहीं किया था परेशान, क्योंकि वो विशाल और लव कटारिया को बचाना चाहते थे। और यहाँ साई केतन को रोकते हुए बहुत बड़ा हो गया था झगड़ा। यहाँ विशाल से पहले हुआ था साई केतन का बहुत झगड़ा। यहाँ साई केतन अपने रोल में फिर से आगे, कल जो उन्होंने नौटंकी की थी आज फिर वही दम दिखाने लगे कि मुझसे बड़ा दमदार कोई है नहीं। छाती चौड़ी कर करके कपड़े उतार उतार के यहाँ विशाल से लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और विशाल को ढक्का वक्की करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो यहाँ साई केतन को ना रूल्स बहुत ज़्यादा आउट हो चुके हैं। अरमान मलिक के साथ रह रहे के उसने सोचा अरमान मलिक ने जैसे हाथ उठा दिया उसको घर से बेघर नहीं किया, तो मुझे भी इतने गाली गलौज करने पर, धक्का वक्की करने पर मुझे भी घर से बेघर नहीं किया जाएगा, मुझे भी पनिश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ साई केतन 2 दिन से बहुत ज़्यादा हवा में उठ रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ बिग बॉस से मेरी रिक्वेस्ट है कि साई केतन को भी पनिश करी जाए, क्योंकि साई केतन 2 दिन से बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं। खुद गाली देते हैं तो कुछ नहीं, दूसरा कोई गाली दे तो ओवर एक्टिंग करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ साई केतन ने विशाल को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, तो विशाल भी इस बार पीछे नहीं हटे। विशाल ने बोला कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तेरा कोई दबदबा नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं मेरे आगे, तो तू बार बार किसी को दबाने की कोशिश करता है, लंबा चौड़ा होगा तू अपने लिए, लेकिन हमें भी वो पावर है जो तू रखता है, तू मर्द है तो हम भी मर्द के बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे दोनों में हुआ था बहुत ज़बरदस्त सा झगड़ा विशाल और साई केतन में। उसके बाद हुआ था अरहान और साई केतन का झगड़ा, क्योंकि साई केतन से यहाँ अरहान छीन रहे थे फ्लावर, तो साई केतन उन्हें रूल्स बता रहे थे। तो दीपक जी से पूछा गया, तो दीपक जी यहाँ बोलते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि जिसके पास इतने फ्लावर बचेंगे वो इसका यहाँ इस रूल का एक टास्क का हेड होगा। तो यहाँ पे फिर अरहान और साई केतन का बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जो कि ओवर था। साई केतन हर किसी को मारने की कोशिश करता है, हर किसी को अब्यूज़ करता है और हर किसी पे फाइट करता है, हार छोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे लड़ते झगड़ते लास्ट में मधुमक्खी की आवाज़ आती है, यानी टास्क का पूरा होने की बारी आती है। तो यहाँ पे दीपक जी अपना फ़ैसला सुना देते हैं कि रणवीर जी इस टास्क के विनर हैं, लेकिन दीपक जी ने ये फेयर मतलब सही का फैसला नहीं किया, उन्होंने ये फैसला गलत किया है, क्योंकि इस दावेदार मतलब इस टास्क की जो विनर थी वो थी शिवानी।
तो उसके बाद बिग बॉस ने पूछा दीपक जी से, दीपक जी ने रणवीर जी को विजेता घोषित कर दिया। उसके बाद रणवीर जी के पास पावर आती तो उन्होंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है, तो उन्होंने किया है दीपक जी को ही नॉमिनेट।